हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर राजमाता विद्या विहार ऑनलाइन क्लास। आई एम रोशनी मैम, आई एम गोइंग टू टेक योर जी इंग्लिश सब्जेक्ट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सिक्स स्टैंडर्ड जी इंग्लिश चैप्टर वन, कलेक्टिव एंड मटेरियल नाउन। यू कैन सी इट इज़ रिटन रिविजन इन द ब्रैकेट। वाई यूर रिविजन रिटन? बिकॉज कलेक्टिव एंड मटेरियल नाउन बोथ नाउन्स वी हैव लर्न इन फिफ्थ स्टैंडर्ड। हियर वी हैव टू रिवाइंड दैट चैप्टर ओनली। ओके, now we are going to start here our lesson. Last year we studied collective nouns. A collective noun is the name of a number of person of things taken together as one whole. Example, the fox saw a bunch of crabs. Number second example, he saw a heap of stones in the garden. ab isme kya hai, collective noun ka ek group hai, means कोई भी एक नाउन जो ग्रुप में खड़ा है उसको एक स्पेशल नेम देते हैं, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। तो किसको, जैसे हियर इज एग्जांपल रिटन, द फॉक्स सो ए बंच ऑफ क्रैब्स। अब क्रैब्स प्लूरल है पर उसका एक बंच है, मीन्स पूरे क्रैब्स एक ही बंच में है, तो जो वो बंच है वो है कलेक्टिव नाउन। ही सो ए हीप ऑफ स्टोन्स इन द गार्डन। स्टोन्स बहुत सारे हैं पर स्टोन्स का एक ग्रुप बना हुआ है जिसको हमने नेम दिया है हीप। तो हीप क्या है, हीप इज अ कलेक्टिव नाउन। ओके, सिंपली हियर वी कैन सी लिस्ट इज गिवन, टोटल 26 कलेक्टिव नाउन्स आर गिवन हियर। वी हैव टू लर्न दिस लिस्ट। ए स्टैक ऑफ हे। स्टैक ऑफ हे मीन्स, हे मीन्स ग्रास, जो सूखी ग्रास होती है, तो उसका जो कलेक्टिव नाउन होता है वो स्टैक। ए बेबी ऑफ गर्ल्स, ए बंच ऑफ क्रैब्स, बंच ऑफ कीज, कीज को भी बंच बोलते हैं और क्रैब्स का हो उसको भी बंच बोलते हैं। ए बंडल ऑफ स्टिक्स, ए हीप ऑफ स्टोन्स, ए सेंचुरी ऑफ ईयर्स, सेंचुरी ऑफ रन्स, रन्स अगर हंड्रेड होते हैं तो उसको भी सेंचुरी बोलते हैं, ईयर्स हंड्रेड होते हैं कंप्लीट तो उसको भी सेंचुरी बोलते हैं। ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स, स्टार्स का जो ग्रुप होता है उसको क्लस्टर बोलते हैं। ए क्राउड ऑफ पीपल, ए गैंग ऑफ रॉबर्स, ए कोर्स ऑफ लेक्चर्स, ए हर्ड ऑफ कैटल, ए फ्लॉक ऑफ शीप, ए फ्लीट ऑफ शिप्स। फ्लॉक एंड फ्लीट, ये दोनों में डिफरेंस है, आपको लर्न करना है। शीप आता है तब हम उसको बोलेंगे फ्लॉक, और शिप आता है तो उसमें हम बोलेंगे फ्लीट। ए ब्रूड ऑफ चिकन्स, ए बैंड ऑफ म्यूजिशंस, म्यूजिशंस इकट्ठे होते हैं उनको बोलते हैं बैंड। ए कोड ऑफ लॉज, ए फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। ए क्लंप ऑफ ट्रीज, ए क्रू ऑफ सेलर्स, सेलर्स किसको बोलते हैं, जो शिप चलाते हैं, तो वो जब इकट्ठे होते हैं उनका जो एक ग्रुप होता है उसको बोलते हैं क्रू। ए लिटर ऑफ पिग्स, ए शॉल ऑफ फिश, ए पैक ऑफ हाउंड्स, ए टॉफ्ट ऑफ हेयर। तो ये सब ग्रुप्स के नेम है, मीन्स ये सब जो नेम है वो हैं कलेक्टिव नाउन के। नाउ सी हियर अवर एक्सरसाइज वन, हियर फिल इन द ब्लैंक्स आर गिवन। वी हैव टू कीप सूटेबल, वी हैव टू राइट सूटेबल कलेक्टिव नाउन इन द ब्लैंक। ओके, नंबर वन इज हियर, देयर वॉज अ डैश ऑफ शीप ग्रेजिंग ऑन द हिल साइड। तो शीप का क्या था, फ्लॉक। लिस्ट में से ऊपर देखेंगे अगर लर्न नहीं हुआ तो, लेकिन आपको लर्न करना है। ओके, चलो नंबर सेकेंड, ए डैश ऑफ गर्ल्स वॉज शाउटिंग स्लोगन ऑन द रोड। अभी गर्ल्स का जो ग्रुप है वो रोड पे खड़े होके स्लोगन जोर जोर से चिल्ला के बोल रही है, तो यहाँ पे ऑफ लिखना है लेकिन ऑफ नहीं लिखा हुआ है, इसके लिए बेबी ऑफ दोनों हम लिखेंगे। ओके, नंबर थर्ड इज, आई कांट ओपन द लॉक एज आई हैव लॉस्ट माई डैश ऑफ कीज। तो कीज का क्या था, बंच, बंच ऑफ कीज। ए डैश ऑफ रॉबर्स एंटर्ड द विलेज एंड लूटेड द हाउसेस। अब रॉबर्स का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं गैंग, तो गैंग विलेज में आए और उन्होंने क्या किया, पूरे विलेज के जो घर है उनको लूट के चले गए। वी सो ए डैश ऑफ शिप्स एट द हार्बर। हार्बर यानी जहाँ पे वो सी के शोर पे जहाँ पे उनका बना होता है, जहाँ पे सब लोग सब शिप रुके हुए होते हैं वो होता है हार्बर। तो हार्बर पे सब शिप्स रुके हुए थे तो उसको बोलेंगे हम फ्लीट। ही हर्ड ए डैश ऑफ बीज बजिंग ओवर हिज हेड। तो बीज का जो होता है झुंड उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन में स्वार्म। वी सो ए डैश ऑफ पिग्स इन द स्टाई, तो लिटर ऑफ पिग्स। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द नीडल लॉस्ट इन अ डैश ऑफ हे, तो स्टैक ऑफ हे।
जो एक सुई होती है, एक नीडल होती है, पूरे ग्रास के अंदर अगर गिर जाए तो उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो जो हे का कलेक्टिव नाउन है वो है स्टैक। नाउ नंबर 9, द रिच मैन कॉल्ड ए डैश ऑफ म्यूजिशियन एट द टाइम ऑफ हिज सन्स वेडिंग। इसके बेटे की जो वेडिंग थी उस पर म्यूजिशियन का जो ग्रुप बुलाया था उसके लिए हम वर्ड बोलेंगे बैंड। ही वॉज फेमस प्रोफेसर, सो आई अटेंडेड द होल डैश ऑफ हिज लेक्चर्स। उसके लेक्चर्स का पूरा जो कोर्स था वो मैंने अटेंड किया था, द कोर्स ऑफ लेक्चर्स। नाउ टर्न पेज स्टूडेंट्स, ऑन नेक्स्ट पेज वी कैन सी मटेरियल नाउन। हियर लिस्ट इज गिवन ऑफ मटेरियल नाउन। आई होप यू ऑल हैव लर्न्ड कलेक्टिव नाउन प्रॉपरली। कलेक्टिव नाउन आपको आता तो था ही, पहले से सिर्फ हमने रिवाइंड किया और रिवाइंड में पूरी लिस्ट मैंने आपको बता दी। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड प्रॉपरली। नाउ वी सी हियर मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन, व्हाट इज मटेरियल नाउन? ए मटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। थिंग्स आर मेड मीन्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें से बहुत सारे डिफरेंट आइटम्स बनते हैं, तो जिसमें से वो डिफरेंट आइटम्स बने वो हो गया मेन मटेरियल, तो उसको बोलेंगे हम मटेरियल नाउन। फॉर एग्जांपल मिल्क है, तो मिल्क में से हम दूसरी चीज़ें बनाते हैं, कर्ड बनती है, घी बनता है, पनीर बनता है, तो घी, पनीर, कर्ड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, स्वीट्स बनते हैं, तो उन सब का मटेरियल नाउन क्या है? तो मिल्क, कॉमन है ना, उन सब में मिल्क यूज़ किया हुआ है, तो उन सब का मटेरियल नाउन क्या हुआ? मिल्क। ओके, तो चलो यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट दी, बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। मटेरियल नाउन कौन से होते हैं? यसी, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कोल, सुगर, टी, कॉफ़ी, ब्रॉन्ज, ब्रास, वूल, कॉटन, सिल्क, रबड़, वुड, मार्बल, ऑयल, स्टोन, ग्लास, रॉक, लीड, एल्यूमिनियम, हनी, मटन, पॉर्क, जूट, राइस, वीट, जुवर। तो ये सारे जो हैं वो मटेरियल नाउन्स हैं, इनमें से डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की थिंग्स हम बनाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में हमको मटेरियल नाउन फिल करना है जो सूटेबल हो वो। नाउ नंबर 1, सी द प्रिंस ऑफर्ड हर ए नेकलेस मेड ऑफ प्योर डैश। नेकलेस किसका बनता है? तो गोल्ड का। यहाँ पे आएगा फर्स्ट वन ब्लैंक में गोल्ड। द ताजमहल इज बिल्ट ऑफ प्रेशियस वाइट डैश। तो ताजमहल किस में से बना है? तो प्रेशियस यानी एकदम कीमती से, तो वाइट मार्बल में से बना है, तो मार्बल मटेरियल नाउन है, उसमें से डिफरेंट टाइप्स की थिंग्स बन जाती हैं। नाउ थर्ड नंबर है, डैश इज नॉट एज कॉस्टली एज गोल्ड। गोल्ड कॉस्टली है, तो गोल्ड की जितना कॉस्टली नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो कॉस्टली है वो भी चीज़, तो वो सिल्वर है। सिल्वर कॉस्टली है, लेकिन सिल्वर से ज़्यादा कॉस्टली क्या है? गोल्ड। नाउ नंबर 4, आई डोंट टेक मच डैश इन माई टी। टी में क्या ज़्यादा नहीं लेते हम? तो sugar, sugar material नाउन। नाउ नंबर 5, बीज कलेक्ट डैश फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर्स, तो हनी। नंबर 6, स्टैचूज आर मोस्टली मेड ऑफ स्टोन। तो स्टैचूज किसमें से बनते हैं? स्टोन में से। स्टोन इज अवर मटेरियल नाउन। द डैश इज ब्रिटल, तो ग्लास ब्रिटल है, तो ग्लास में से बहुत सारी चीज़ें तो भी बनती है, इट इज़ यूजफुल। नंबर 8, सम पीपल आर एज ब्लैक एज डैश। तो ब्लैक पीपल होती है, या ब्लैक कोई भी चीज़ है, उसकी जब कंपैरिजन होती है तो किसके साथ होती है? कोल। तो कोल में से डिफरेंट थिंग्स बनते हैं, इसके लिए कोल इज अवर मटेरियल नाउन। नंबर 9, साउथ इंडियंस प्रीफर डैश टू डैश। अब साउथ इंडियन कॉफ़ी प्रीफर करते हैं टी के बदले में, यहाँ पे टी आएगा। नाउ नेक्स्ट इज 10 नंबर, द पंजाब इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डैश इन इंडिया। तो वीट, पंजाब किसका है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का। द क्रॉप ऑफ डैश नीड्स प्लेंटी ऑफ रेन, बहुत सारी रेन किस कौन सी क्रॉप को चाहिए होती है? तो राइस। डैश इज मोर यूजफुल देन गोल्ड और सिल्वर। सिल्वर और गोल्ड से भी ज़्यादा यूजफुल है, भले उतना महंगा नहीं है, कॉस्टली नहीं है, लेकिन यूज़फुल है आयरन, तो आयरन के बिना काम चलता है, आयरन सभी चीज़ों में, बिल्डिंग बनेगी तो भी आयरन चाहिए, गेट बनेंगे तो भी आयरन चाहिए, बाकी चीज़ें बनेंगी तो भी आयरन चाहिए, तब उन सब में गोल्ड और सिल्वर तो नहीं डाल सकते, तो आयरन इज़ यूज़फुल, मोर यूज़फुल देन गोल्ड एंड सिल्वर। नंबर 13, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर मोस्टली मेड ऑफ ब्रास। ब्रास एक
मेटल है जिसमें से अलग अलग टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं। नंबर 14, वुड रबर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब बैड कंडक्टर किसको बोलते हैं, आप साइंस में पढ़ोगे। अब बैड कंडक्टर यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का जो बैड कंडक्टर होता है वो यूज़ करके अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को टच करते हैं तो हमको करंट नहीं आता है। अभी आपने सुना होगा कि वुड है, वुड की वुडन की लकड़ी है या बेलन हाथ में लेके अगर शॉक आ रहा है तो बटन ऑफ कर दो, तो या तो स्लीपर पहनी हो रबड़ की तो बटन ऑफ करो तो करंट नहीं आता। लेकिन अगर गीले हाथ से हमने बटन ऑफ किया तो हमको शॉक लगता है, क्यों? क्योंकि वाटर इज़ नॉट बैड कंडक्टर, इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब गुड कंडक्टर उसको टच करेगा, दोनों गुड होंगे तो एक दूसरे को कनेक्ट कर देंगे, यानी हमको शॉक आ जाएगा। तो बैड कंडक्टर है यानी वो उससे दूर भागता है तो हमको करंट नहीं आता। ये तो आप डिटेल में साइंस में रीड करोगे आगे के स्टैंडर्ड्स में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वुड और रबर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 15, वी गेट डैश एंड डैश फ्रॉम शीप। शीप में से क्या मिलता है, तो हमको वूल मिलता है और दूसरा क्या मिलता है, मटन। नंबर 16, डैश इज यूज फॉर फ्राइंग, फ्राइंग के लिए क्या यूज़ होता है, तो ऑयल। नंबर 17, इन द पास्ट प्रिंसेस यूज टू वियर क्लोथ्स मेड ऑफ डैश। क्लोथ्स किसके बने होते थे, प्रिंसेस के, तो सिल्क के। 18, नंबर फर्नीचर इज मेड ऑफ डैश, तो वुड का बनता है, स्टील का भी बनता है, प्लास्टिक का भी, पर अपने नॉर्मली वुड रीड करते हैं तो इसमें वुड लिखेंगे, दैट इज़ करेक्ट। नंबर 19, द स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर इज कार्व्ड आउट ऑफ द होल डैश। स्टैचूज मोस्टली हमने क्या लिखा था, स्टोन में से बनते हैं, पर यहाँ पर जो गोमतेश्वर का जो स्टैचू है वो किससे कार्व किया हुआ है, तो ब्रॉन्ज पे, यहाँ पे ब्रॉन्ज आएगा। नंबर 20, डैश इज यूज इन मेकिंग पेंसिल्स, तो पेंसिल्स के अंदर क्या होती है, लीड, तो लीड में से बने जाती है पेंसिल। तो ये हो गया हमारा मटेरियल नाउन। नाउ लास्टली यू कैन सी हियर इज रिटन नोट, व्हाट इज हियर, मटेरियल नाउन आर नॉट एज अ रूल यूज इन द प्लूरल। अब रूल है कि मटेरियल नाउन कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होता है, स्टोन, कॉपर, वुड, बट वेन दीज नाउन्स अक्कर इन द प्लूरल दे आर यूज एज कॉमन नाउन बाय विथ स्लाइटली चेंज्ड मीनिंग। एग्जाम्पल, स्टोन, पीसेस ऑफ स्टोन, वुड्स तो फॉरेस्ट, आयरन्स तो फैटर्स मेड ऑफ आयरन। इसका मतलब क्या है, अगर हम प्लूरल में यूज़ करते हैं तो उनकी मीनिंग स्लाइटली चेंज हो जाती है, वहाँ पर मटेरियल नाउन वो नहीं रहता है। बहुत सारे स्टोन्स पड़े हैं तो उनको स्टोन्स बोलते हैं, पीसेस ऑफ स्टोन बोले तो वहाँ पर हो गया उसके छोटे छोटे पीसेस है, स्टोन एक ही है तो वो स्टोन क्या हुआ, वो मटेरियल नाउन हुआ। अगर सिंगुलर में यूज़ करते हैं तो वो मटेरियल नाउन होता है। ओके, नाउ हियर वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर लेक्चर, इन वी विल मीट सून इन अवर नेक्स्ट लेक्चर फॉर चैप्टर 2। टिल देन बाय बाय, सी यू।